पाँच सेकंड में निर्मोदी का 100 करोड़ का बंगला विस्फोटकों से किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी नीरव मोदी के बंगले को गिरा दिया गया है। इस बात की जानकारी रायगढ़ के जिलाधिकारी विजय सूर्यवंशी ने दी। उन्होंने कहा कि अलीबाग में समुद्र किनारे बने नीरव मोदी के बंगले को विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया गया है। इस आलिशान बंगले को जिला कलेक्टर की निगरानी में गिराया गया। जानकारी के अनुसार इस बंगले को गिराने के लिए अधिकारियों ने डायनामाइट का इस्तेमाल किया। ये बंगला मुंबई से 90 किलोमीटर दूर कीहम बीच पर बना हुआ था। इस बंगले को गिराने की कोशिश पिछले एक महीने से हो रही थी, मगर ये बंगला इतना मजबूत था कि इसे गिराने के लिए अधिकारियों को डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। नीरव का यह बंगला 33,000 वर्ग फीट में बना हुआ था, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। प्रशासन का कहना है कि यह बंगला अवैध तरीके से बना था, इसीलिए इसे गिराया जा रहा है। साल 2011 में नीरव मोदी को 376 वर्ग मीटर में इस बंगले को बनाने की इजाजत मिली थी, लेकिन उसने नियम को ताक पर रखते हुए 1,081 वर्ग में इसका निर्माण करवाया। कई बेडरूम और हॉल वाले इस बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर 1,000 वर्ग फीट में फैला हुआ स्विमिंग पूल भी है। केवल इतना ही नहीं, मोदी ने इस बंगले के बाहर अवैध तरीके से गार्डन का निर्माण भी किया है। गुरुवार को बंगले में छेद करके डायनामाइट लगाए गए थे, जिसे रिमोट से जोड़कर बंगले को गिरा दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस बंगले को पीएनबी घोटाले के तहत जब्त किया है। प्रशासन ने जब इसे गिराने का फैसला किया तो ईडी ने उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में इसे स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया था। इससे पहले ईडी ने नीरव की रोल्स रॉयल्स कार को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी कीमत 148 करोड़ रुपए है। मोदी ने जब देश छोड़ा उस समय रोल्स रॉयल्स सर्विसिंग के लिए गई हुई थी। ईडी ने इसके अलावा मोदी की 7 अन्य कारों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।